कैसे हो आप? अच्छे हो ना बच्चों? आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है, जानते हो ना। आपको 20 सेकेंड हैंड वॉश करना है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग से का भी ख्याल अच्छे से रखना है, और घर में जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सबको वैक्सीन के लिए ज़रूर करना है, ताकि वो कोरोना जैसी बीमारी से आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। और इस महामारी में और भी हमें अपने आसपास साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखना है, कि जो जो भी और कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं इस समय, उससे हमारा बचाव हो सके। तो आज बच्चों हम बनाना सीखेंगे फ्लूट माने बांसुरी। आप इस सभी जानते हैं, और आपको पता है कि बहुत ही ये एक ऐसा यंत्र है जो बच्चों को बजाना तो बहुत ही पसंद है। तो आज हम पेपर से फ्लूट बनाएंगे और इसको इंजॉय करेंगे अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने इसके लिए एक प्लेन वाइट पेपर लिया है, टेप ली है, मार्कर लिया है ना, और ग्लू लिया है। हम इन सब की हेल्प से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम फ्लूट बनाएंगे। तो इस पेपर को सबसे पहले हमने इस तरीके से करके सिंपल एक रोल करना है, बहुत ही सिंपल है ना ये। और अब हमें इस पे क्या करना है, इसको इसे हम आसानी से बिना किसी मदद के बना सकते हैं। देखो अभी पेस्ट हो जाने के बाद ये अच्छे से हो गया ना, इसको बीच में ये आप लगा के अच्छे से पेस्ट कर सकते हो, ताकि ये निकले ना, और आप इसको अपना खेलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस तरीके से पाइप टाइप बन गया ना। और अब हम क्या करेंगे, टेप। देखो यहाँ पर मैंने कुछ टेप ली है, ताकि इसको हम कलरफुल, और आपने देखा ना बांसुरी पे कई तरह की लेसेस, टेप या कुछ चीज़ें लगी होती है, जिससे वो सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। तो हम इसके लिए टेप का इस्तेमाल करेंगे, और टेप को खोल करके एक साइड से, है ना, इस तरीके से। देखो किस तरीके से मैंने पकड़ा है इसको, इस तरीके से पकड़ते हुए धीरे धीरे हमें इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम टेप लगा रहे हैं तो हमें ये इस पेपर को ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा मुड़े नहीं, ये अपनी शेप में रहे अच्छे से। और अब इसको यहाँ से हम कैंची से ऐसे कट कर लेंगे, है ना। और अब इसमें हम एक दूसरे कलर का भी टेप लगा सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिज़ाइन के लिए। तो हम इसको खोलेंगे, इसको बॉर्डर लाइन पे इस तरीके से मैंने देखो रोल कर दिया है, और इसको ऐसे इस तरीके से हमने इसको दोनों साइड में लगा दिया है ना। और अब मैं एक अलग रंग का टेप लेकर के, कुछ लटका जैसा लगा रहता है ना बांसुरी में हमारी, तो हम उसके लिए इसमें से ही गोल्डन कलर का टेप मैंने लिया है, और इसको मैं इस तरीके से मैंने ये काटा इसको ऐसे, और इसको बराबर लेते हुए आप हल्का हल्का कैंची से काट सकते हो, और इसमें बांसुरी में छेद होते हैं ना, तो हम उसके लिए इसमें
इसको इस तरीके से इसके छेद भी दिखा सकते हैं। और इसके बाद इसके मुंह के पास हल्का सा एक दोनों साइड से कट लगा करके उस हिस्से को इस तरीके से हल्का सा घोन लेंगे हम, और दोनों साइड से लगा करके उसको इस तरीके से अच्छे से चिपका देंगे। और पेड़ को भी इस तरीके से करेंगे ताकि बांसुरी में ये कुछ लटका हुआ सा नजर आए। तो देखो बनी ना ये अच्छी सी प्यारी सी बांसुरी आपके लिए खेलने के लिए घर में। आप इसको बना सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से घर में। ये देखो इसमें छेद भी नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं छेद की मदद बांसुरी में छेद होते हैं ना, आप इसे खेल सकते हो और बना सकते हो अच्छे से, और अपने भाई बहनों के साथ खेल करके इसे इंजॉय भी कर सकते हो। देखो इसे इस तरह से मुँह पे रख करके बजाते हैं ना भगवान श्री कृष्ण। तो आपने जन्माष्टमी भी जैसे प्रोग्राम पर इसको बनाया और खेला होगा अच्छे से, तो आप इसको आशा करते हो घर पर बहुत ही आसान किसी भी वेस्ट पेपर से बना करके आसानी से आप इसको बना सकते हो और खेल सकते हो। थैंक यू।